नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। और दोस्तों, सबसे पहले एक बात जहन नशीन कर लें, तो ताकत के नशे में ताकतवर हुकूमतें भूल चुकी हैं। एक बात जहन में रखें, जो ताकत के नशे में ताकतवर हुकूमतें भूल चुकी हैं वो ये है कि दुनिया के सारे इंसान एक ही माँ बाप की औलाद है। दुनिया के सारे इंसान एक ही माँ बाप की औलाद है। अगर फिलिस्तीन में कुछ हो रहा है तो जाहिर सी बात है, इतनी जो बड़ी तादाद नजर आ रही है वो भी इस बात का एहसास रखते हैं कि जैसे हम इंसान हैं वो भी इंसान है, जैसे हमें भूख और प्यास लगती उन्हें भी भूख और प्यास लगती, जैसे हमें बीमारी के वक्त दवाओं की ज़रूरत होती है उन्हें भी दवाओं की ज़रूरत होती है, जिस तरह हम अपने बीवी बच्चे रिश्तेदार माँ बाप को जोड़कर उनकी आंखों के सामने रहना और उन्हें रखना चाहते हैं, यही जज्बात उनके भी हैं। मगर इसराइल जालिम के बम्बार तैयारे सारे रिश्तों के चिथड़े उड़ा रहे और उसके बावजूद अमेरिका एक महजब ताकत, इसराइल एक महजब ताकत, बरतानिया और फ्रांस एक महजब ताकत, मैं समझता हूँ इससे बड़ा धोखा जब से दुनिया बनी कभी नहीं हुआ होगा। जहां बैठ कर जालिम को पूरे पूरे तौर पर उसकी मदद की जा रही है, मजलूमों का वीटो किया जा रहा है, नहीं वीटो, क्या ये अफसोस की बात नहीं? यकीनन जहां बम गिर रहे हैं, जिनके घर उजड़ रहे हैं, जहां मासूम बच्चा पैदा होते ही माँ को खो दे रहा है और जहां बूढ़े माँ बाप के सामने जवान बच्चा दम तोड़ रहा है, जहां जवान बच्चे के सामने बूढ़े माँ बाप दवाओं से महरूम हो रहे हैं, वो दर्द अल्फाज में नहीं बयान किया जा सकता, वो दर्द अल्फाज में नहीं बयान किया जा सकता, यहाँ के पुरअमन माहौल में हम उसे महसूस नहीं कर सकते। मगर इतना कहूंगा कि जितने लोग आए कम से कम उनके दर्द को अपना दर्द समझने वाले आए, उनके दुख को अपना दुख समझने वाले आए, उनके प्यास को अपनी प्यास समझने वाले आए, उनके गमों को अपना गम बनाने वाले आए। आप दुआ करें कि पूरी दुनिया में यही माहौल हो कि इंसाफ का बोल वाला हो। आप शायद एक शेर से बात पूरी समझ सकते हैं, आज कातिल के लिबादे में खड़ा है मुंशी, समझते ना चाचा, आज कातिल के लिबादे में खड़ा है मुंशी, अदल का यानी इंसाफ का, अदल का धूम से निकलेगा जनाजा यारो, सारी दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर ये ताकतें फिर भी महजब है, जहां इंसानी जान चिथड़ी की तरह उड़ रहे, खसो खाशाक की तरह उड़ रहे, उनकी जानों की कोई कीमत नहीं रह गई, खून पानी से भी ज्यादा सस्ता हो गया, हर तरफ लाशें कराते सिसकते बिलकते रोते हुए लोग, मगर इन जालिमों के दिल में बाजू में दिल नहीं, पत्थर है पत्थर, जो सरला बराबर भी साथ नहीं पड़ता। बस हम माना कि जमीन को न गुलजार कर सके, यानी जमीन को बाहुबार तो नहीं बना सके, माना कि जमीन को गुलजार न कर सके, कुछ खार कन तो कर दे गुजरे जिधर से हम, यानी कुछ कांटे तो हटा दिए, बस ये दुआ करें कि अल्लाह इस कांटे को हटा दे, और उसके लिए कोई मुश्किल नहीं, आपकी जब दुआएं होंगी आहें होंगी फिक्र होगी कि हाँ इंसानियत का दर्द रखने वाले इंसान आज भी मौजूद हैं, दूसरों के भूख और प्यास को समझने वाले आज भी मौजूद हैं, दूसरों के गम को समझने वाले गमज़दा लोग आज भी हैं, इंशाल्लाह उसका खात्मा होगा और उसका जनाजा निकलेगा और जालिम अपने किरदार को पहुंच कर रहेगा। वीडियो में चल दिखाई दे रहे गूगल पे बारकोड को स्कैन कीजिए, चैनल को ज्वाइन बटन दबाकर ज्वाइन कीजिए, हमें आर्थिक रूप से मजबूत कीजिए।
अभी के लिए इतना ही। अपने चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।